आ गया है समय, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन की। मस्त मस्त वैल्यू फॉर मनी फोन, और इस पर बहुत सारे न्यू फोन है लिस्ट में, इसीलिए डोंट स्किप दिस वीडियो। 5 फोन है जो बेस्ट है इसके अंदर है, और एक बोनस फोन भी है। ये वाला फोन बाय करो या ये वाला फोन बाय करो, बहुत ही कंफ्यूजन है। तो आपके इस कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? पता नहीं, इशारा समझो यार, कौन सा किन यूजर्स के लिए है सब बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी बात, इन सभी फोन्स को मैंने टेस्ट कर रखा है। फटाफट से पहला फोन देखते हैं कौन सा है। ओके, जो सबसे पहला फोन आया है वो है ये Realme की तरफ से, अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और भाई इस फोन का जो यूएसपी है वो है इसका डिजाइन। तो फर्स्ट टाइम आप इस फोन के डिजाइन लुक को देखोगे तो आपके मुंह से एक बार जरूर निकलेगी भाई वाह क्या कारीगरी है। तो भाई फोन का नाम है Realme 11 Pro Plus 5G। भाई इस फोन के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो 6.7 इंच की FHD प्लस 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, ये कर्व डिस्प्ले है, 200 मेगापिक्सल OIS कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी और 100 वॉट का फास्ट चार्जर है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको मिल जाएगा 27999 में। इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो भाई सबसे पहले है इसका डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले है AMOLED है 120 हर्ट्ज के साथ, और ये डिस्प्ले देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा है, कर्व है साइड से। और दूसरा इसका कैमरा जो 200 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है Samsung के HP3 सुपर जूम सेंसर के साथ, भाई ये बहुत ही अच्छे फोटोज देता है। तीसरा फोन का जो डिजाइन है वो बहुत ही प्रीमियम और यूनिक है। हाँ, कुछ नेगेटिव्स हैं इस फोन में जो मुझे पसंद नहीं आई, जैसे कि इसमें 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, सच बताओ तो मजा नहीं आया। बाकी यूट्यूब पर अगर आप कोई भी 4K वीडियो देखते हो तो वहां पर ये लैग करने लग जाता है, 1080p पे स्मूथ चलता है। और एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई इस फोन में वो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। फोन आपको बहुत सारे ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स UI में आपको एड्स भी देखने को मिल जाता है। सिंपल में कहूं तो ये फोन उन लोगों के लिए जिनकी प्रायोरिटी कैमरा है, डिजाइन है और डिस्प्ले है, इन सभी चीज में आपको एक प्रीमियमनेस चाहिए, वो चीज आपको इस फोन के साथ मिलती है। भाई एड्स UI के साथ आप ओके हो, डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फोन दे। भाई इस फोन को कैसे भूल सकते हैं, जब भी बात आती है परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ iQOO की। iQOO आजकल मस्त मस्त बढ़िया बढ़िया फोन निकाल रहा है। फोन का नाम है iQOO Neo 7, और भाई इसके फीचर्स भी काफी तगड़े हैं इस प्राइस पॉइंट पे। इसमें आपको 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलता है, 64 मेगापिक्सल OIS ट्रिपल कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, MediaTek Dimensity 8200 चिप है, 5000 mAh की बैटरी है और फास्ट चार्जर है। सारी चीजें आपको मिलेंगी 27999 में। तो अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो इसमें आपको एक ब्यूटीफुल AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, हालांकि ये कर्व डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है। बाकी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कहूंगा टॉप नॉच है, एंड स्पेशली गेमर्स के लिए जिनको गेमिंग खेलनी है, और इसमें आप हाईएस्ट सेटिंग्स पे इवन आप 90fps पे गेमिंग खेल सकते हो। ये चीज मुझे इस फोन में सबसे बेस्ट लगती है, प्योर गेम प्ले करना है मनोज सारू की तरह। तो भाई गेमिंग के लिए ये फोन बेस्ट कहूंगा जिनको गेमिंग खेलनी है। भाई अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात करूं तो ऐसा कोई नेगेटिव तो नहीं है, बट हाँ एक ही नेगेटिव है, इसमें आपको कोई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट फोन। मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा, PUC प्लीज। पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो भैया नेक्स्ट फोन देख लेते हैं किन यूजर्स के लिए। हेलो, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये सैमसंग के रिसेंटली लॉन्च हुए सैमसंग का ब्रांड न्यू F सीरीज का फोन, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G। और ये फोन है सैमसंग यूजर्स के लिए, इनको अंडर 30,000 रुपीज में कोई सैमसंग का फोन चाहिए। ये फोन आपको 29999 में मिल जाएगा। जितने भी मैंने सैमसंग के फोन को टेस्ट किया है, ये फोन अभी फिलहाल के लिए अंडर 30,000 रुपीज में सैमसंग का बेस्ट 5G फोन है। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें 6.7 इंच की सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज है, 108 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, सैमसंग का Exynos 1380 चिप है, 6000 mAh की बैटरी है और 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अगर मैं सैमसंग F54 5G का कुछ प्लस पॉइंट की बात करता हूं, सबसे पहला इसका डिस्प्ले, भाई सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले है, जो सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी है, ब्यूटीफुल सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले, क्वालिटी एक्सीलेंट है, मतलब इसमें आप कुछ भी देखोगे भाई आपको मजा आ जाएगा देखने में। दूसरा जो इसका 108 मेगापिक्सल कैमरा है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काफी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। एंड इसमें जो परफॉर्मेंस है भैया, Exynos 1380 चिप, ये एकदम एक्सीलेंट प्रोसेसर तो नहीं कहूंगा मैं गेमिंग के हिसाब से, बट डे टू डे लाइफ यूज में, मल्टीटास्किंग में, इवन अगर आप इसमें गेमिंग करना चाहते हो कैजुअल डिसेंट गेमिंग, वो भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज भाई इस फोन का बैटरी, 6000 mAh की इसमें बैटरी है। इस फोन में जो बैटरी है वो बैटरी नहीं है, बैटरा है। हाँ, अगर मैं कुछ कॉन्स की बात करूं तो भाई सबसे पहले फोन में आपको कोई चार्जर नहीं मिलता। सर भाई जो अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है वो मुझे डिसेंट लगे, इतना खास नहीं लगा। बाकी भाई फोन में मुझे सारी चीजें अच्छी लगी, और आप इसे सैमसंग का एक ऑलराउंडर 5G फोन बोल सकते हो अंडर 30,000 रुपीज में। और ये फोन उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ सैमसंग का फोन चाहिए। ओके, अगला फोन देखते हैं। अरे यार, हर बार क्यों आ जाता है मुझे, क्यों तोड़ा? ओ हो, इस फोन को कैसे भूल सकते हैं भाई, ये फोन है पोको का। भैया परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन में एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, और इसका डिजाइन, डिस्प्ले, लुक
सब कुछ बढ़िया है। इसमें आपको 6.67 इंच की एक फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 64 मेगापिक्सल ओएस कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 चिप है, 5000 एमएएच की बैटरी है, फास्ट चार्जर है, 8GB रैम है और 256GB स्टोरेज है। सारी चीजें आपको मिलेंगी 29999 में। अगर मैं इससे कुछ प्लस पॉइंट की बात करूं, सबसे पहली बात भाई इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है, डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही प्यारी है। दूसरा इसका जो डिजाइन है, लुक है, वो भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी जो कैमरा है, कैमरा अच्छा है, एकदम एक्सीलेंट लेवल का नहीं कहूंगा। ओ भाई, जो परफॉर्मेंस है गेम प्ले के लिए भाई बेस्ट है। भाई इसका एंड्रॉइड स्कोर अगर आप ध्यान से देखोगे भाई 9 लाख प्लस निकल के आता है। बाकी अगर कुछ मैं कॉन्स की बात करूं तो ऐसा कोई मुझे मेजर कॉन तो नहीं दिखा। इसका जो मेन कैमरा है वो अच्छा है आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, लेकिन इंडोर लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा कैमरा स्ट्रगल करता है और आपको फोन में ब्लॉटवेयर मिल जाते हैं। इन चीजों को अगर साइड में हटाएं, ये फोन भैया एक बहुत ही पावरफुल विद ब्यूटीफुल डिस्प्ले वाला फोन बन जाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप परफॉर्मेंस है, गेमिंग करनी है और आपको एक ब्यूटीफुल बेजललेस डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, आप इस फोन को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट फोन, एक बोनस फोन भी बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट फोन है, एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, मोटोरोला के आजकल जलवे हैं भाई। क्यों मोटोरोला जलवा है हमारा? भाई सच बताओ तो मोटोरोला आजकल मस्त काम कर रहा है। ये फोन है मोटोरोला का एज 40 और अंडर 30,000 रुपीज में। डेफिनेटली भाई ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है मोटोरोला की तरफ से। इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसमें 144 हर्ट्ज कर्व एमोलेड डिस्प्ले है, 50+30 मेगापिक्सल ओआईएस डुअल कैमरा है, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, डायमेंसिटी 8020 है, 4400 एमएएच की बैटरी है, फास्ट चार्जर है, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज है और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ओनली 29999 में। इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो भाई इसका जो डिस्प्ले है वो ब्यूटीफुल कर्व एमोलेड डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज। दूसरा भैया इसका जो डिजाइन है, लुक है, वीगन आपको लेदर मिलता है। भाई फोन बढ़िया है, स्लिम है, लाइट वेट है। भाई जो कैमरा है वो भी बढ़िया है, ओआईएस आपको कैमरा मिल जाता है। परफॉर्मेंस है, डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर है, पर इस प्राइस पॉइंट पे एकदम बेस्ट प्रोसेसर तो नहीं कहूंगा मैं इसे, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में दूसरे स्मार्टफोन है जिनमें आपको बेटर प्रोसेसर मिलता है। इन चीजों से हटके फोन में भैया IP68 है, वायरलेस चार्जिंग है और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे मोटोरोला के फोन्स में देखने को मिलती है वो है स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। एकदम क्लीन यूजर एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मेरे दाढ़ी की तरह। अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो भाई ऐसा कोई मेजर कॉन तो नहीं है। कैमरा इस फोन का अच्छा है, डिसेंट कहूंगा मैं, बेस्ट नहीं है। ये फोन उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ प्रीमियम डिजाइन के साथ IP68 चाहिए, वायरलेस चार्जिंग, ये सारी चीज आपको मैटर करती है, देन ये फोन भैया आपके लिए है। और कोई फोन है? ये तो खाली है। नहीं 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 नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैंने एक बोनस फोन की बात करी थी और वो बोनस फोन है Nothing Phone 1। ये फोन उन लोग ले जो स्मार्टफोन के लुकिंग से बोर हो चुके हैं, सेम वही लुकिंग, वही कैमरा है, रिफ्रेश लुक चाहिए, Nothing Phone 1 उन यूजर्स के लिए है। आप लोग बताओ भैया इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा। वीडियो को लाइक कर दो और वी प्रो में कुछ फोन दे दूंगा, चेकआउट कर लेना और वीडियो को फैला दो। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and stay safe.